अभिव्यक्ति में आपका स्वागत है। साहित्य संस्कृति की इस खास पत्रिका में हम आपको हर हफ्ते किसी खास मुद्दे से रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं किसी खास शख्सियत से और दिखाते हैं देश के तमाम शहरों में हुई साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की एक झलक। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, नए दौर की चुनौतियों के बावजूद बरकरार है शास्त्रीय संगीत का जादू। नई पीढ़ी को संगीत की गहराइयों के प्रति जागरूक बनाने में लगी हैं कई संस्थाएं। YouTube के जमाने में पारंपरिक संगीत घरानों का अस्तित्व खतरे में, कहते हैं स्पिक मैके के संस्थापक किरण सेठ। और कला संगीत और साहित्य की दुनिया की हलचलें अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। तो सबसे पहले देखते हैं आज की कवर स्टोरी। भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक दीवानगी की स्थिति है। हर कोई भारतीय शास्त्रीय संगीत का दीवाना है, इसकी एक लंबी परंपरा है। बावजूद इसके नई पीढ़ी में जब ये फ्यूजन का ज़माना है, वेस्टर्न म्यूज़िक का असर देखने को मिलता है, ऐसे में शास्त्रीय संगीत की मौजूदा स्थिति क्या है और इसका भविष्य क्या है, घरानों की क्या स्थिति है, यह सब हमने जानने की कोशिश की अपनी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं संगीत की अपनी भाषा होती है, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत आपके भीतर गहराई तक पहुंचता है और आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। शास्त्रीय संगीत और नृत्य के बगैर हम भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी सरगम ही दुनिया के किसी भी देश के संगीत की बुनियाद है, बेशक इसकी धुने और तौर तरीके जो भी। पाश्चात्य संगीत और फ्यूजन के इस दौर में शास्त्रीय संगीत को बचाने की कोशिशें लगातार चलती रही है। खासकर स्पिक मैके पिछले 42 सालों से इस कोशिश में लगा हुआ है और देश विदेश के स्कूल कॉलेजों में लगातार अपने कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के जरिए शास्त्रीय संगीत के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने में लगा है। ये गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप हमारे बहुत बढ़िया एक मॉड्यूल है, जिसमें हम एक महीने के लिए इन द मंथ ऑफ मई एंड जून स्टूडेंट्स को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी महान गुरु के साथ पूरे 30 दिन रहने के लिए। आज बेशक तमाम संगीत घराने पहले जैसे नहीं रहे, गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो रही है, इंटरनेट और यूट्यूब के जमाने में युवा पीढ़ी के सामने संगीत के ही तमाम विकल्प मौजूद हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी शास्त्रीय संगीत को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। People of present generation get the knowledge of that because presently हर जगह like हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा westernization जैसी हो गई है, तो इस चीज़ में हमारा culture छुप रहा है। और स्पिक में कि जब वो काम कर रहा है कि बच्चों में interest जगा रहा है उस चीज़ को लेके कि भारतीय music जो है वो एक तरीके से धरोहर है हमारी, एक तरीके से root है western music की, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय हो, प्रयाग संगीत समिति हो या हर शहर में छोटे छोटे संगीत के स्कूल, अपने बच्चों को संगीत और नृत्य सिखाने की कोशिश हर कोई करता है, बेशक ये शौक करियर और रोजी रोटी की दौड़ में आगे तक चल पाए या ना चल पाए। इसके बावजूद
शास्त्रीय संगीत से जुड़े तमाम लोग ये मानते हैं कि YouTube और सोशल मीडिया के ज़माने में तमाम नए कलाकार पहले से कहीं बेहतर तरीके से पहचाने जाते हैं। जिस तरह पहले जो बच्चे मेहनत करते थे और वो दिन रात एक अपने लक्ष्य पे लगे रहते थे, आजकल कुछ ही बच्चे जो हैं जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं। श्रोताओं में बहुत अलग अलग, हर डेकेड में हम चेंज देखते रहते हैं। अमूमन लोग बड़े हैं प्रचार प्रसार के वजह से, पर जो संगीत के दर्दी हैं, जो उसका दर्जा समझते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा कम हुआ है उसमें। दूसरी तरफ सुबह बनारस या तमाम शहरों में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों के जरिए भी शास्त्रीय संगीत की परंपरा को बरकरार रखने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जाहिर है संगीत में जितने भी प्रयोग हो जाएं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं, लेकिन जो बात हमारे संगीत में है वो कहीं मिल नहीं सकती और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। शास्त्रीय संगीत और भारतीय संस्कृति को पिछले 4 दशकों से स्कूलों और कॉलेजों के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रही है एक संस्था स्पिक मैके। स्पिक मैके के संस्थापक IIT के प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ से हमने बात की तमाम मसलों पर, शास्त्रीय संगीत पर और इसके भविष्य पर। हमारे साथ हैं स्पिक मैके के फाउंडर और IIT में प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ। किरण सेठ पिछले 4 दशकों से भारतीय संगीत और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। स्पिक मैके के बारे में सबसे पहले आपको ख्याल कैसे आया? मैं जब IIT में पढ़ता था तो वहाँ मैं पाश्चात्य संगीत गाया करता था एक गिटार के साथ जी, परंतु वहाँ एक हमारे वहाँ एक स्टाफ मेंबर हुआ करते थे जो एक संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम रखते थे, ग्रीन एमेच्योर्स नाइट, हर साल। बहुत मुश्किल से वो शास्त्रीय संगीत का संपूर्ण रात्रि का कार्यक्रम रखते थे, तो हमें तो कोई इसमें दिलचस्पी नहीं थी, क्या होता है, परंतु उनने हमारे एक अंदर एक बीज बो दिया जो अभी तक एक बड़ा होते जा रहा है और एक विशाल वृक्ष जैसे अंदर है मेरे अंदर। नए दौर में जिस तरह से युवाओं की एक जो नई पीढ़ी है उसमें संगीत को लेकर के, ख़ास तौर से भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर के, उतनी दिलचस्पी अब कम दिखाई पड़ती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से कोशिशें करते हैं? हम तो कहते हैं, देखिए, स्कूल और कॉलेजों में जाओ, दोबारा जाओ, फिर से जाओ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जो हमारे उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर साहब ने कहा था, बहुत सुंदर बात। कहते कोई भी गहरी चीज़ को अगर तुमने उसको बढ़ावा देना है तो कैसे किया जाए? अगर आप धारा एक पानी का लोगे और पत्थर पे लगाओगे तो पत्थर को कुछ नहीं होने वाला, पर उसी पानी को अगर बूंद बूंद करके टपकाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल में एक सुराख पैदा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वेस्टर्न म्यूज़िक हावी रहा है पिछले काफ़ी समय से, उसमें इंडियन जो ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक है, उन दोनों के फ्यूज़न की भी कई बार कोशिशें हुई और अभी भी हो रही हैं, तो उसमें आपको लगता है कि क्या वो ट्रेडिशनल म्यूज़िक आज की तारीख में वैसी स्थिति में और आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा? देखो, जो भी चीज़ एक जिसमें सत्य है ना, वो कभी मिट नहीं सकता। मेरे विचार में कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, परंतु मिट नहीं सकता। ये जो हमारी शास्त्रीय संगीत जो है वो संगीत नहीं है, वो एक संगीत से बहुत ऊपर चीज़ है। संगीत तो एक माध्यम है आपको संगीत से ऊपर ले जाने का। संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बड़े बड़े बजट हैं, क्या सरकार हमारे कलाकारों के लिए जितना करना चाहिए उतना कर पाती है? नहीं कर पाती।
क्योंकि ज़्यादातर मेरे ख्याल में लोग, बहुत कम लोग हैं जिनको इस गहराई का अनुभव हुआ है। शास्त्रीय संगीत भी आजकल एक कल्चरल एक्स्ट्रावागेंजा, ये तो बात ही नहीं बनी। हम लोग उसको इस स्तर पे ला रहे हैं, एक मनोरंजन के स्तर पे ला रहे हैं। अब मनोरंजन के लिए तो हम बॉलीवुड हॉलीवुड सुन सकते हैं, वो जब तक गहराई की समझ ना हुए तो फिर क्या होता है, उसको नापा तोला जाता है कि भाई कितने लोग आए, कितने सुना, भाई ये तो बहुत कम है, ये कैसे होगा, इसके लिए तो मतलब उसका जो नापदंड है वो करंट जो ट्रेंड है वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे विचार। नहीं तो संस्कृति मंत्रालय को ऐसी स्थिति में आपकी आपकी जो राय है उसमें क्या आप राय देना चाहेंगे कि किस तरह से वो काम करे? पहले तो संस्कृति मंत्रालय का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए मेरे विचार, पहले ये है। दूसरा ये है, उनको ये देखना है कि आजकल संस्कृति के नाम से क्या क्या नहीं किया जा रहा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरे विचार में, बहुत कम डिस्क्रिमिनेशन है। वो जो है समझने की भाई ऐसी चीज़ों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी चीज़ों को हमें इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बेशक यू नो वहाँ वो समझ आनी चाहिए मेरे विचार में। देखो एक 42 साल के बाद भी स्पिक में के में 1 करोड़ हमें अभी पैसे देने हैं लोगों को, ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए मेरे विचार जी। तमाम संगीत या नृत्य के जो घराने हैं बहुत लंबे समय से चले आ रहे घराने हैं, आज के दौर में क्या उन घरानों का आने वाले समय में कोई भविष्य है? या घराना का जो बहुत अच्छी चीज़ है घराने में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वो उनको उनकी चीज़ें रखना वैसे अलग 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 वो मुश्किल बात है मेरे विचार में, क्योंकि हम लोग सब को सुन रहे हैं यूट्यूब पे, यहाँ टीवी पे, इधर उधर, तो सब लोग को जो गाते हैं वो बहुत, मतलब जो आज के लोग हैं कह नहीं, इतना नहीं कह सकते कि मैं इस घराने से हूँ, बहुत चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो वो बात से मैं वो बात को अपोज नहीं कर रहा मैं। नहीं, जैसे घराने और गुरु शिष्य परंपरा का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। करेक्ट। आज एक बार फिर से हमारी जो सरकार है वो कई बार ये बातें कहती हुई सुनाई पड़ती है कि भाई गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, करना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है आज के दौर में? बहुत सपोर्ट चाहिए। देखो क्या है कि आजकल क्या है कि एक शिष्य जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, गुरु भी, क्योंकि आजकल जैसे दिल्ली शहर में ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, ये बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में यूथ के लिए तो और मुश्किल हो गई है ना, कि यूथ को आप कैसे इस तरफ मोटिवेट करें? तो ऐसे समय में स्पिक मैके जैसी जो संस्था है उसके अलावा क्या देश के और शहरों में जो लोग संगीत और संस्कृति के लिए काम कर रहे लोग हैं उनके बीच में एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि नहीं है? तालमेल की ज़रूरत तो है, पर हमें चिंतन मनन की ज़रूरत है, चिंतन मनन कि ये किस तरह हम ले जा रहे हैं इस शास्त्रीय संगीत को। अपने तमाम कार्यक्रमों में आप तमाम बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका नाम है तो एक आकर्षण है, लेकिन क्या नई पीढ़ी के जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको या जो सीख रहे हैं क्या उनको भी मंच देने का काम स्पिक मैके करता है? हाँ हाँ, हम तो जो बहुत यंग हैं और जो बहुत टैलेंट, बहुत अच्छा उनमें है, हमारी एक सीरीज़ है WD सीरीज़, वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन सीरीज़, उनमें सारे यंग पीपल जा रहे हैं इंटीरियर में, हाँ बहुत ही इंटीरियर में। हमारी ये
इच्छा है, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, बाई 2025 तक हम सारे बच्चों तक रीच कर सकें। इतने सालों में भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा, जो वो इंटरेस्ट नहीं था वो पैदा हुआ। हाँ जी, तो आप क्या शास्त्रीय संगीत गाते भी हैं? मैं बहुत धन्य हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा सातों डागर से मैंने थोड़ा थोड़ा ध्रुपद थोड़ा सीखा, और मैं हर रोज़ रियाज करता हूँ। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। ये कॉम्पोजिशन है ध्रुपद का, राग भैरवी में। जगत जननी ज्वालामुखी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा विद्या आदेनी दयानी दुख हरनी, जगत जननी जो ही जो ही मागत सो ही फल पावत, मना इच्छा पूरन करनी दुख हरनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। अभिव्यक्ति में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे तमाम शहरों में हुई साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियां अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। पांच साल पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया था 154 वायदे किए थे उन्होंने अलग अलग वर्ग से, तो एक भी वायदा पूरा नहीं किया। आज जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज नंबर एक किस चीज़ में है? बेरोजगारी में। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है कि जो ये लचर व्यवस्था आप बता रहे हैं खट्टर साहब की गवर्नमेंट में, इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? विफल सरकार है, कोई उनका सरकार का वो है ही नहीं, लोगों के एक भी जन हितैषी फैसला नहीं उन्होंने किया। ये एक एक्सपर्ट है इवेंट मैनेजमेंट में। 90 सीटों में से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? बहुमत आएगा कांग्रेस, और बीजेपी कहती है कि उनको 75 प्लस मिलेगा, भी कहने से क्या आ जाते हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड इस हफ्ते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद अभिव्यक्ति में आपका फिर स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं परिक्रमा, जिसमें आप देखेंगे देश के तमाम शहरों में हुई खास खास साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की कुछ झलकियां। जनाब, बल्कि ऐसा माना जाता है कि बतौर सिंगर अगर आपने ये गाना नहीं गाया तो आप सिंगर ही नहीं हैं। सूफी कथक को एक नया मुकाम देने वाली नृत्यांगना मंजरी चतुर्वेदी के नए प्रयोगों की हमेशा चर्चा होती है। आज जाने किसे
मुंबई में मंजरी चतुर्वेदी के निर्देशन में हिंदी सिनेमा में तवायफों और बाई जी के योगदान और गीतों के इस्तेमाल पर एक बेहतरीन शो पेश किया गया, A tribute, Begums and Baijis of Bollywood. Mori kar pakadat mori chunar kinche, mohe lootat nand kishor. इस शो के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे तवायफों की जिंदगी और उनसे जुड़े गीत संगीत को परफॉर्मिंग आर्ट की कामयाबी का बड़ा जरिया बनाया गया। संगीत और नृत्य के अलावा बेहतरीन रंग संयोजन और प्रकाश के इस्तेमाल ने शो में चार चांद लगा दिए। नौशाद ने एक दिन थोड़े से पैसों के लिए जब राजकुमारी दानिश इकबाल की पटकथा को एकांत कौल और बुरहान कुरैशी ने दास्तान गोई शैली में पेश किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान देने वाले पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की 84वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 19 सितंबर को भोपाल के रविंद्र भवन में संगीत प्रसंग के तहत भारत रत्न स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी के पुत्र पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन ने समा बांध दिया। श्रीनिवास जोशी ने गायन की शुरुआत राग बिहार में भजन से की। उन्होंने ठुमरी में भैरवी की प्रस्तुति दी। उन्होंने बाद में भक्ति रचनाएं भी पेश की। उनके साथ तबले पर मनोज पाटीदार और हारमोनियम पर माजिद खान ने संगत दी। भातखंडे स्मृति प्रसंग के तहत 19 सितंबर को पंचनाद की प्रस्तुति हुई। पंचनाद के रूप में देश की 5 महिला वाद्य यंत्र वादकों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति दी। पंचनाद संतूर पर भोपाल की श्रुति अधिकारी, सितार पर बनारस की श्रावणी विश्वास, वायलिन पर चेन्नई की अनुत्तमा मुरली, तबला पर मुंबई की मिताली विंचूरकर, मृदंगम पर बेंगलुरु की रंजनी सिद्धांती वेंकटेश ने पारस्परिक सामंजस्य के साथ शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसमें ताल एवं तार दोनों शामिल रहे। मौजूदा समय में आत्मकथाएं लिखना एक फैशन सा हो गया है। इन आत्मकथाओं में खुद की प्रशंसा से ज्यादा दूसरों की आलोचना लिखी जाती है ताकि सुर्खियों में आया जा सके। इसी पर आधारित नाटक एक भूत की आत्मकथा का मंचन जयपुर के IIS यूनिवर्सिटी की थिएट्रिकल सोसाइटी की ओर से किया गया। ये नाटक एक राजनैतिक व्यंग है, साथ ही समाज में व्याप्त पाखंड पर कटाक्ष करता है। दूसरों की निंदा को आधार बनाकर लिखी गई आत्मकथाओं की वजह से उन प्रेरक लोगों की कहानियां दब जाती हैं जो समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं। नाटक के एक पात्र डेविड भी आत्मकथा लिखने का फैसला करते हैं, जो कि खुद एक भूत है। इसी दौरान डेविड की मुलाकात गंधर्व से होती है। जानवरों के पात्रों की कुछ प्रेरक कहानियां गंधर्व डेविड को सुनाते हैं, जिसके बाद डेविड को समाज की सच्चाइयों का पता चलता है और वो आत्मकथा लिखने का इरादा छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी पुरो नाम जानिस? ए मा की बोलो,
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी ने अगरतला में 21 और 22 सितंबर को कठपुतलियों के जरिए गांधी जी की पूरी यात्रा को दिखाया। पुतुल रंग नाम के इस कार्यक्रम में पुतुल कलाकारों ने बेहतरीन तरीके से गांधी जी के संदेशों को पेश करने की कोशिश की। अगरतला के ही सुकांत अकादमी सभागार में 18 से 20 सितंबर को संगीत नाटक अकादमी का शास्त्रीय संगीत समारोह भी हुआ। इस दौरान जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों और गायन के कई नमूने पेश किए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर में रामलीला की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि जयपुर के स्थानीय कलाकार इस बात से नाराज हैं कि आधुनिकता की दौड़ में रामलीलाएं अपना मूल स्वरूप खो रही हैं और बाहर के राज्यों से कलाकारों को बुलाने का फैशन चल पड़ा है। ये कलाकार मानते हैं कि नई तकनीक के इस्तेमाल में भी रामलीलाओं की मूल आत्मा प्रभावित हुई है। नई टेक्नोलॉजी आ गई, बाहर से कलाकार आते हैं, मथुरा से, वृंदावन से लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, लोग देखने जाते हैं, मगर वो जो पहले वाले भाव थे वो अब पब्लिक के अंदर वो देखने के बाद पब्लिक वो टीवी देख लेती है, सोशल यूट्यूब पे देख लिया, दोबारा रामायण सीरियल देख लिया। राज्य जनजातीय संग्रहालय में इन दिनों भील पिथौरा पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। कलाकार भूरी बाई के चित्रों की ये प्रदर्शनी शलाका लिखंदरा आदिवासी परंपरागत चित्रों को बखूबी प्रदर्शित कर रही है। पिथौरा देव की भील आदिवासी पूजा करते हैं तो उनके इर्द गिर्द जीवन के विभिन्न रंगों को प्रतिबिंबित किया जाता है। भूरी बाई भील पिथौरा पेंटिंग की सशक्त हस्ताक्षर हैं। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए मुद्दे, किसी नई शख्सियत और कुछ खास गतिविधियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।